बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर रोजाना रात के इस पहर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में और साथ साथ वर्ल्ड कप से जुड़ी खबरों के बारे में। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है, ये वो खबर है जिसको शायद कोई भी पाकिस्तानी क्रिकेट लवर, पाकिस्तानी क्रिकेट सपोर्टर ना सुनना चाहे और ना देखना चाहे, लेकिन आज जो कुछ हुआ ये बिल्कुल एक मूवी की तरह किसी फिल्म का बिल्कुल क्लोजिंग सीन था, एक एंडिंग सीन था और इस तरह जो मीडिया की इस्तेमाल में कहते हैं कि क्लोज कैमरा सीन था, वो इसलिए कि इसके बाद जो है पूरी की पूरी फिल्म जो है वाइंड अप होती नज़र आती है, ख़त्म होती नज़र आती है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट जो है ये काफ़ी अरसे से लिखा जा रहा था और इस स्क्रिप्ट की जो किरदार थे वो बदलते जा रहे थे। कभी मुख्तलिफ़ किस्म के चेयरमैन आते थे, अपनी मर्ज़ी की तब्दीलियाँ करते थे, कभी ऐसा होता था कि जो टीम को अच्छे ट्रैक पर ले जाने की कोशिश करता था उसको कभी क्वालिफाइड कोच ना होने का सर्टिफिकेट दे के, कभी जो है वो लेवल्स का सर्टिफिकेट देखे, कभी किसी और बिना पे, कभी ये कह के आज के इस मीडिया दौर में कि जहां पे अगर कोई शख्स टंबकटू में या कंबोडिया में भी बैठा हो तो उसको भी ढूंढ के निकाला जा सकता है सोशल मीडिया के इस दौर में, उस कभी उसको ये कह के जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से दूर कर दिया गया कि कराची जैसे शहर में हमें उस शख्स का एड्रेस ही नहीं मिला कि जिससे हम बात कर सकते। तो बहुत सारी ऐसी तहरीरें जो ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्ट जो लिखे जा रहे थे और जिसका आज नवश्ते दीवार हम सब ने देख लिया कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान जैसी टीम से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 99 में जब हम वर्ल्ड कप तो हमने उस वक्त कह दिया कि जनाब हम अपने भाइयों से हारे हैं, जब हम इंडिया से वर्ल्ड कप का मैच हारते हैं तो हम कह देते हैं कि हम अपने पड़ोसियों से मैच हारते हैं, आज जब अफगानिस्तान से हम मैच हारे हैं तो हम यकीनी तौर पे ये बातें कल हम सुन रहे होंगे ये बातें कि जी अफगानी भी तो हमारे भाई हैं, अगर उनसे हार गए हम तो कोई बहुत बड़ी बात है। लेकिन हर पाकिस्तानी का दिल आज मगमूम है, हर पाकिस्तानी का दिल आज उदास है और हर पाकिस्तानी आज बहुत ही बोझल दिल के साथ पाकिस्तान की टीम को एनालाइज कर रहा है और इसमें सबके सब वो तमाम लोग जो किसी न किसी हद तक स्टेक होल्डर हैं बराबर के शरीक हैं, वो मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो तजुर्बात करते रहे कि हमें लोकल कोच नहीं चाहिए, हमें फॉरेन कोच चाहिए, वो तमाम लोग वो कोचेस है कि जो आके सिर्फ असाइनमेंट अपना पूरा करते थे और बहुत सारे इनमें से तो ऐसे कि वहीं से वहीं जो है वो कोई न्यूजीलैंड चला जाएगा, कोई वहीं से वहीं इंग्लैंड चला जाएगा, अपने अपने जो पर्क्स हैं, अपने अपने जो बेनिफिट्स हैं वो हाथ में लेगा, अपने बैग में डालेगा, अपने अकाउंट में डालेगा और चला जाएगा। और यहाँ कौन रहेगा? यहाँ रहेंगे मैं, आप और मोहसिन हसन खान जैसे लोग के जो पाकिस्तान क्रिकेट का दर्द रखते हैं, मोहसिन हसन खान के जिन्होंने पाकिस्तान की टीम को एक ट्रैक पर लेकर आ रहे थे, इंग्लैंड के खिलाफ वाइट वॉश किया, श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की टीम अच्छा खेल रही थी और एक मुश्किल दौर में कि जब पाकिस्तान की टीम मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग के गर्दाब में फंसी हुई थी उस वक्त पाकिस्तान की टीम को जीत के ट्रैक पर डाला। और शायद मुझ जैसे लोग या मुझ जैसे और जो सरफरे लोग जो मुसलसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसियों पर तनकीद करते रहे, सिलेक्शन के हवाले से तनकीद करते रहे, ये कहते रहे कि मोहम्मद वसीम जैसा रबर स्टैम्प लैपटॉप सिलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज कर रहा है कि जो सिर्फ सिर्फ स्टैट्स के हवाले से काम कर रहा है, उस वक्त शायद लोगों को बुरा लगता था। फिर हमने कहा कि सिलेक्शन कमेटी में जो है वो क्रिकेटर होना चाहिए कि जहां पे कोई ऐसा बंदा जो स्टैट्स के हवाले से काम करता अपना लैपटॉप खोल के जो है वो टीम सिलेक्ट नहीं कर सकता, ये उसका डोमेन नहीं है, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट को बोर्ड को बुरा लगता रहा। और आज सबने उसका नतीजा देख लिया कि जब बाबर आजम को कप्तानी देने के हवाले से तनकीद की गई तो उस वक्त भी कहा गया कि जी वो कराची माफिया है या कराची के जो लोग हैं वो बाबर आजम को कप्तान देखना नहीं चाहते। एक चलती हुई टीम के कप्तान सरफराज अहमद को हटाया गया, उससे पहले मोहसिन हसन खान को एक चलती हुई टीम के कोच को हटाया गया, फिर सरफराज अहमद को हटाया गया। तो ये स्क्रिप्ट जो है बहुत अरसे से लिखा जा रहा है। आज मेरे साथ मोहसिन हसन खान साहब जैसे लोग स्टूडियो का हिस्सा हैं, मेरे साथ एनु ज़ेरा भी। आज मैं कोई लंबा चौड़ा तारुफ नहीं कराऊंगा क्योंकि दिल उदास है, दिल मगमूम है, दिल बोझल है, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि पहले भी मैंने कहा था कि यह शख्सियत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होनी चाहिए थी और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होते तो शायद ऐसे फैसले होते कि पाकिस्तान क्रिकेट एक दफा फिर उरूज की बुलंदियों पर होती, लेकिन अफसोस है और दिल एक दफ़ा फिर मैं कहूँगा कि उदास है कि ये हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। खुशी तो होती है कि हमारे स्टूडियो को रौनक होती है इनके इनकी मौजूदगी से, इनके अब विराजमान होने से, लेकिन साथ साथ जहाँ बेहतर तरीके से इनसे काम लिया जाता है शायद इनको वहाँ पर होना चाहिए था। मौसम भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो, कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम, ठीक सर। आज मैं बहुत माजरत खाऊँ कि आज आपका तारुफ उस तरह से नहीं करा सकता जो आपके शायान शान है, लेकिन आज जितना मैं उदास हूँ शायद उससे आप उदास होंगे। वही मैं कह रहा हूँ अली, आप मैं सब हर पाकिस्तानी चाहे वो पाकिस्तान हो पाकिस्तान से बाहर हो, देखिए एक तो होता है ना हार जीत तो खेल में होती है, लेकिन किस तरह हार रहे हैं, किससे हार रहे हैं, ये चीज़ देख के बहुत तकलीफ होती है। और जो इंट्रोडक्शन की बात है ना, अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन सिर्फ ये कहे ना कि हमारा पाकिस्तानी मोहसिन खान हमारे साथ बैठा हुआ है, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ़ख्र की बात होगी।
लोग तो अपनी आप आइडेंटिटी छुपा रहे हैं। पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस ऐसी हो गई कि वकार जो है पाकिस्तान का वकार मजरू करते जा रहा है। कोई कहता है कि हम आधे पाकिस्तानी हैं, कोई कहता है आधे ऑस्ट्रेलियन हैं। कभी जब यहाँ पे टीवी में बैठ के शो करते थे तो रिजवान के हवाले से बात करते थे, फिर इंडियन लोगों से जाके फिर उनको वहाँ पर माफ़ी भी मांगनी पड़ गई। मेरे ही अपने शो में रमीज़ राजा जूनियर ने आके कहा था कि अगर वकार यूनुस साहब ने यह कह दिया था कि जनाब अगर आपको पाकिस्तान की टीम में खेलना है तो फिर आपको पंजाबी जबान आनी चाहिए। तो ये तो वो वकार है जो कराची में बैठ के कुछ और बात करते हैं, सिलेक्शन कमेटी में होते हैं, कोच होते हैं, जब कुछ और बात करते हैं, इंडिया जाते हैं कुछ और बात करते हैं। तो कोई एक शख्स इसका जिम्मेदार नहीं है, ये तमाम के तमाम स्टेक होल्डर जिम्मेदार हैं। और वो किराए के टट्टू और वो किराए के भाड़े के टट्टू भी उसके जिम्मेदार हैं जो मुसलसल कल पाकिस्तान को मैच खेलना आज और पूछिए रहे हैं सोशल मीडिया पे बाबर आजम कितने रन करेगा। भाई पाकिस्तान की बात कर लो, छोड़ दो बाबर आजम का पीछा, छोड़ दो रिजवान का पीछा, पाकिस्तान की बात कर लो। लेकिन नहीं, हम सिर्फ एक शख्सियत के पीछे भागते हैं, हम रैंकिंग के पीछे भागते हैं। और आज का नतीजा देख लिया कि रैंकिंग की नंबर वन और टू की टीम आज टॉप फोर में भी जाने के लिए जो है उसकी उम्मीदें दम तोड़ रही है और सिसक रही है। एन उजैरा हमारे साथ मौजूद है। एन, कैसी आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? आज आपने जो तारुफ करवाया है, पूरा ये जो आपने सिनेरियो बयान किया है, वो आपने सब बता दिया कि हम कैसे हैं, आप कैसे हैं। क्योंकि जो इस वक्त हम पेन महसूस कर रहे हैं अपने दिलों के अंदर, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ क्रिकेट एनालिस्ट, मुझे आज शर्म आ रही है। यकीन जाने कि हम ये हैं, ये हैं कि जिसके लिए हम कहते हैं तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। रिजवान ये कह रहे थे कि हमारी टीम हमें सपोर्ट करेगी, इस टीम को हम सपोर्ट करेंगे। और आप देखिए, हम इस टीम को सपोर्ट करते हैं। सहवाग जब वहां पे बैठ के कह रहे थे कि अफगानिस्तान से हार जाएंगे, तो आप बोले कि कैसे कह दिया उन्होंने, मैं बोली कि ठीक है भाई, ठीक है आप सीनियर हैं, लेकिन ये आपने कैसे कह दिया अफगानिस्तान से हार जाएंगे। और अब ये बात है कि कल अब्दुल रजाक भी कह रहे थे कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान है वो हार जाएगी, जो पाकिस्तान है वो हार जाएगा अफगानिस्तान से। और फिर भी आप यकीन जाने वाली, दिल को यकीन नहीं आ रहा था। हम कह रहे थे कि जब टारगेट बन गया पौने 300 के करीब के, नहीं अब तो हम चनाए की पिच पे इस काबिल हैं कि इसे हम डिफेंड कर लेंगे। लेकिन हमारी बॉलिंग, ये वो नंबर वन नंबर थ्री बॉलिंग, वो पेसर्स कहाँ पे है भाई? वो शाहीन जो दबोच लेंगे, पकड़ लेंगे, गला घोट देंगे, कहाँ पे है वो? आज तो ग्राउंड में नहीं थे। आपकी कैप्टनसी फिर फेल हो गई। ये देखें, ये सिर्फ बाबर का यहाँ पे कसूर नहीं है। बाबर को बाबर बनाने वाला कौन है? अभी आपने बताया ना, कहाँ पे वो वकार यूनुस? मैं तो ट्विटर पे भी लिखा कि एक एफआईआर उस जिन पे भी काट दिया जिसने बाबर को कप्तान बनाया। जी, ये वकार यूनुस, मिसबाउल हक, रमीज राजा सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। यानी वो बाबर को उन्होंने ऐसा मुजस्मा बना दिया था, पाक पाकीजा, कर रिपोर्टर उनसे सवाल नहीं कर सकता था। इसके जो जिम्मेदार है ना सारी सिचुएशन के, लेके आए उन स्पिनिंग के जो कोच थे हमारे, सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ, कहाँ पे है वो सारे के सारे? मेरी और आपकी बैठे हुए पैसे कमा रहे हैं। इसके जिम्मेदार मोहसिन सर खान साहब भी हैं। ये भी जिम्मेदार है इसके। ये भी जिम्मेदार है। ये इसलिए जिम्मेदार है कि ये यहाँ पे क्यों हैं? इनको क्रिकेट बोर्ड में होना चाहिए था। और मेरी ये डिमांड है, तो जाएंगे ना, अगर इज्जत ही नहीं देंगे अपने स्टार्स को, कैसे जाएंगे मोहसिन खान? खुद उठ के चले जाएंगे मोहसिन खान? ये डिमांड है मेरी कि हमें दोबारा वो चेहरे, यही मिसबा, वकार यूनुस, रमीज राजा, नजम सेठी, जका अशरफ, ये नहीं चाहिए। पॉलिटिकल हायरिंग से खुदा के वास्ते छोड़ दें हमारा पीछा। कभी पॉलिटिकल हायरिंग हो रही है, कभी किसी का दोस्त आ रहा है, किसी का रिश्तेदार आ रहा है, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। मोहम्मद यूसुफ जैसा जबरदस्त बैटर हमारे पास है, आप बाहर से लोग मंगवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और ये इनका गुस्सा यकीनी तौर पे हर पाकिस्तानी का ऐसे गुस्सा है और इसी तरह जज्बात हैं, क्योंकि अभी भी वक्त है। अगर इन जैसे लोग और इन जैसे कई और पाकिस्तानी ऑनेस्ट लोग और वापस सरफराज अहमद पर अगर ट्रस्ट कर लिया जाए तो शायद पाकिस्तान की टीम जो है वो दोबारा उरूज की बुलंदियों की जानेब गामजन हो जाए। मैच में क्या रहा ये देखने को तो दिल नहीं कर रहा, लेकिन दिखा देते हैं कि हुआ क्या मैच में। दिखाइए जनाब समरी, ये क्या रहा मैच में, ये जहां पर आज वरिंदर सहवाग की ख्वाहिश पूरी कर दी पाकिस्तान टीम ने, आज इरफान पठान की ख्वाहिश पूरी कर दी और आज बहुत सारे ऐसे लोगों की ख्वाहिश पूरी कर दी जो पाकिस्तान को जीतते हुए देखना नहीं चाहते। 282 रन के पाकिस्तान ने 7 विकेटों के नुकसान पे, 78 रन की नहीं खेली बाबर आजम ने, 58 रन की नहीं खेली अब्दुल्ला शफीक ने और इफ्तिखार ने 40 रन की नहीं खेली, नूर ने 3 विकेटें हासिल की और जवाब में अफगानिस्तान ने 286 किए 2 विकेटों के नुकसान पे। मोहसिन भाई, एक तो शिकस्त अफगानिस्तान से शिकस्त और फिर 8 विकेटों से शिकस्त, कुछ कहने को रहा ही नहीं है। बस कहने को मैं इतना कहूंगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो क्रिकेट हमें खेलना चाहिए थी वो उन्होंने खेली और जो उन्होंने खेली वो हमने खेली। उन्होंने 270 कितने का था, 282 किया पाकिस्तान ने, 282 यकीन कीजिए मैं अब यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, पिच देख ली थी, ब्यूटीफुल बैटिंग विकेट। और मैं सोचा था कि अगर कोई ये अफगानिस्तान इस वक्त कोई गलतियाँ करेगा ना जिस बात में आके ज़बरदस्ती उल्टे सीधे शॉट मार के, तो ये मैच हारेंगे, अदरवाइज ये मैच नहीं हारेंगे। अली वो जिस तरह गेम को लेके चले ना, राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल, उन्होंने एक स्लॉग नहीं किया, कुछ नहीं किया,
और उनका यहाँ मैं डेफिनेटली कप्तान को और उनकी मैनेजमेंट को क्रेडिट दूंगा जिन्होंने कहा होगा हम 50 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं, हम 35 ओवर की क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, भले हम आखिरी से ओवर में जाके रन्स करें या एक दो ओवर पहले करें, लेकिन हमें ये नहीं करना है कि हमने पैनिक करके, आप देखिए उन्होंने लिटरली अली क्रूज किया, लिटरली क्रूज किया उन्होंने शुरू से लेके आखिर तक। शाहीन को भी अगर एक विकेट मिली तो बड़ी मुश्किलों से मिली, और दूसरा किसने एक आउट किया था, हसन नहीं जिसने भी किया था, दो विकेट्स हमने लिए वो भी उनकी गलती से, हमारी बॉल से कोई आउट नहीं हुआ, वो भी उन्होंने जाके वो एक तो हुक करते हुए आउट हो गया शाहीन के ऊपर, दूसरे का मैं एग्जैक्टली मैं नहीं गलत बात नहीं कहूँगा वो मैं देखा नहीं था, लेकिन मुझे देख के ये हो रहा था कि ये क्या हम क्या कर रहे हैं, जो जो कमांड हमारे हाथ में होनी चाहिए थी वो कमांड उनमें नज़र आती, बिलीव मी नॉट यही वो टीम थी। आपको याद है कि हम पिछले कुछ मैचेस जो अफगानिस्तान से हमारे हुए इवन इंक्लूडिंग एशिया कप, कान के पास से गोली निकली थी, हारते हारते हम जीते थे, हुआ था ना ऐसे, बिल्कुल ऐसे जैसे नसीम शाह ने जितवाया, रमीज राजा बड़े खुश थे, जिसमें आप चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि नसीम शाह मैच आके जिताएगा बाप को, और उस पर खुश थे, शादियां बजा रहे थे कि 11वें नंबर का मैच में छक्के मार रहा है। बात यही हुई है, सबसे बड़ा जो डिजास्टर हुआ है, मैं एन की भी फीलिंग जानता हूँ, एन आपने मुझे सही ब्लेम किया है, बिल्कुल आपने मुझे सही ब्लेम किया है, लेकिन मैं जब जाऊँगा, मैं जब गया तो मैंने जाके प्रूफ करके दिखाया कि मैं मेरिट के ऊपर काम करूँगा और मेरिट के रिजल्ट था, देखिए मैं उस पर बात करता हूँ जो प्रूफ किया, मैं ये नहीं कह रहा ये मैं कर सकता था, मैंने करके दिखाया है, सबको पता है हटाया क्यों गया था, उसकी सिर्फ ये वजह थी कि ना सिफारशी खिलाऊंगा और ना टीम में कोई गड़बड़ होने दूंगा, इससे कि पाकिस्तान की टीम है आपकी मेरे घर की टीम नहीं है, और ये हमारी इज्जत का सवाल है पूरे पाकिस्तान का। अब एन जो मैं आपकी फीलिंग्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने मुझे सर, ये हर पाकिस्तानी की फीलिंग है, आप देखें लोगों को यकीन नहीं आ रही क्या हो गया हमारे साथ, मुझे फोन पे यकीन करें मेरा फोन लाल हो गया बज बज के खुदा के वास्ते मोहसिन क्या कर रहे हो यहाँ, ये जो आपने सवाल किया, ये जो एन ने कहा कि, तो मैंने कहा भाई मैं खुद तो नहीं जाऊंगा ना, मुझे पहले बुलाया, मैंने जाके ईमानदारी से काम किया, अल्लाह ताला ने उसको मुझे नहीं पाकिस्तान को अच्छे रिजल्ट दिए, मैं अपने आप का क्रेडिट नहीं लूंगा, मुझे मेरी टीम को और सबसे नंबर पाकिस्तान को, लेकिन जब इस तरह नहीं सोचेंगे, अब आपने खुदा के वास्ते इन जुआरियों से निजात पाए आप, बस बहुत हो गया ना, पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत बर्बाद कर दिया, मुझे मत लें आप क्रिकेट बोर्ड में, मैं आपसे कह रहा हूँ मत लें मुझे क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन मेरिट पे लोगों को लोएं जो आगे ईमानदारी से काम करें, और ईमानदारी से जब काम होता है तो अली अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है, कामयाबी डालता है, उसके नतीजे भी फिर सामने आते हैं कि नीयत नेक मंजिल आसान, ये जो बुजुर्गों का जो मकूल है ये यकीनी तौर पर बिल्कुल किसी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि आज अफगानिस्तान की टीम की नीयतें नेक थी और उनका एक मकसद था, उनका एक जज्बा था, उनका एक गोल था, जबकि हमारी टीम इस पर चल रही है ये रोटी गैंग का प्लेयर है, ये मेरा दोस्त है इसको खिला दो, आज नवाज को बुखार करा दिया, शादाब को खिला दिया, स्पिनर हमारे पास नहीं है, कैसे मुल्क में जहाँ हर गली के अंदर जो है वो बच्चे गली कूचों में क्रिकेट खेलते नजर आते हैं, वहाँ पर आज हमें ना फास्ट बॉलर ढंग के मिल रहे हैं, ना हमें स्पिनर मिल रहे हैं, ना आज हमें बैट्समैन ऐसे मिल रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक ही प्लेयर है, एक ही 11 की 11 है जो मुसलसल खेलती नजर आ रही है, वही नेपाल के खिलाफ भी खेलती है, वही अफगानिस्तान के खिलाफ भी खेलती है, वही श्रीलंका के खिलाफ भी खेलती है, वही नीदरलैंड के खिलाफ भी खेलती है, और वही फिर जाके जो है वो वर्ल्ड कप भी हारती है, और वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की उम्मीदें भी जो है वो वही टीम जाके दम तोड़ देती है। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच के बारे में, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस लेते हैं कि पाकिस्तान ने इस मैच में क्या गलतियाँ की। मोहसिन हसन खान साहब से आगाज़ करते हैं। मोहसिन भाई, ये तो हमने बात की पाकिस्तान के सिस्टम की, जो आपने मैंने एन ने डिस्कस किया, लेकिन पाकिस्तान की टेक्निकल क्या गलतियाँ, क्या आप समझते हैं कि 282 का जो रन था टारगेट था वो कम था इस पिच को देखते हुए, या आप समझते हैं पाकिस्तान ने बॉलिंग ख़राब की है या अफगानिस्तान ने बैटिंग बहुत अच्छी की है, फील्डिंग में भी हमारे लैप्सेस थे। फील्डिंग में लैप्सेस नहीं थे, मुझे एक दो जगह तो हो रहा था किसी लड़कों ने अपने डाइव भी मारी, बॉल डाइव करते हुए सपोज भी डाइव गिरते हुए उठे, जब उठे तो लंगड़ाते भी उठे, ये जिस तरह क्रिकेट में कहते हैं मुक गए लड़के, देखिए लंगड़ाते भी उठे लड़के, तो मैं कह रहा इसका मतलब ये है कि लड़के जो हैं, पहली बात तो
अली, मैं यहाँ यही बात कहूँगा कि अगर एक टीचर है, एक स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो टीचर से पूछा जाता है क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है अच्छा, आप बताइए। वो बताएगा कि जी मैं तो इसको पूरा पढ़ा रहा हूँ। देखिए दूसरा लड़का जो है वो क्लास वन मार्क्स ले रहा है तो इसका मतलब इसमें गलती है, ओके वन कैन अंडरस्टैंड। बट लेकिन एज ए टीम जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, 11 के 11 आपकी पहली बात तो मेरिट पर आपकी 11 नहीं खेलती। आपने सही बात कही, कभी किसको ड्रॉप कर दिया, कभी किसको खिला दिया, पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो गए। उनकी तरफ से एक लड़का खेला है नूर, वो करता है लेफ्ट आर्म, वो चाइना में 19 साल का है। इतना इम्पोर्टेंट मैच था आज उनके लिए, इतना इम्पोर्टेंट मैच था कि आज वो जीतते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मोरल विक्ट्री थी। उन्होंने इंग्लैंड को हराया, उनकी क्रिकेट यहाँ आई। आज उन्होंने पाकिस्तान को एक बार दुनिया की और एक अजीम टीम को हराया, या जो अगर हम अपनी गलतियों करेंगे तो बदनीयती दिखाएंगे तो उसको हारेंगे, लेकिन उनकी मोरल और बूस्टिंग हुई है जिनकी अफगानिस्तान की क्रिकेट को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। और आज जो मैं अप्रोच देख रहा था, टेक्निकलिटीज़ की आप बात कर रहे हैं, ऑनेस्टली लंबी बात मैं नहीं करूँगा, इसी के टाइम इतना नहीं होता। अली उन्होंने टोटल प्रोफेशनलिज्म शो किया। वो टीम जो आज से दो जुमा 8 दिन जिसको आप कह सकते हैं कि जो पहले आके इंटरनेशनल सीन पे आई भी है, लेकिन पिछले 2 साल से उसने एक शो करना शुरू किया है। 2 साल के अंदर ही उसने इंग्लैंड को भी हराया, उसने इंग्लैंड को खेल के हराया, ये भी मैं आपको बता दूँ, फ्लूक नहीं था वो भी। आज भी उन्होंने हमें खेल के अच्छी क्रिकेट खेल के हराया। अब कोचेज भी अपना काम कर रहे होंगे इंसाफ से, सही तरीके से प्लेयर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, बिलीव मी आर नॉट, फ्रॉम राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल फील्डिंग करते वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज में, हालांकि हमने अच्छा स्कोर कर दिया था 282 इज अ वेरी गुड टोटल, बट आई फेल्ट कि यार ये कम है। अगर ये लोग समझदारी से क्रिकेट खेल गए इस पिच के ऊपर जो कि प्लेसिड है बिल्कुल, ना उसमें बॉल में टर्न है इतना ज़्यादा, ना एक्स्ट्रा बाउंस है, ना सीम है, सीम भी नहीं कर रही है, स्विंग तो नहीं कर रही थी, क्लाइमेट ही बिल्कुल गर्म था, तो हर चीज़ बैटिंग के फेवर में है। उस पर अब हम जाके बड़ी मुश्किलों से, फिर वही हुआ, 2 लड़के 50 से ऊपर जाके उन्होंने 100 नहीं किया, 100 125 या 150 नहीं किया, जैसे ये स्कोर हमारा 325 या 325-30 हो जाना चाहिए था, जो कि डेफिनेटली मुश्किल होता। और देखिए जैसे मैं आपसे कहता कि इंडिया की क्या क्लास नज़र आ रही है न्यूजीलैंड की, कमज़ोर टीम से खेलते हैं तो दिखाते हैं कि हम सुपीरियर हैं अपनी परफॉर्मेंस से, हमें वो दिखाना चाहिए बजाय ये कि हम या तो मैच हार जाते हैं या अगर हम जीत रहे हैं या परफॉर्मेंस वैसे ही नहीं आता। अच्छा एंड जिस तरह मौसम ने भी बात की, इसमें बड़ी खूबसूरत एक बात यह है कि जो 282 रन्स थे वो अगर हम फील्डिंग अच्छी कर लेते तो शायद वो 315 हो जाते, लेकिन जब हमारे फील्डिंग में लैप्सेस आए तो 282 सिमट कर हो गए 250, तो फिर रन्स का जो टारगेट था वो कम हो गया अफगानिस्तान के लिए। बड़े आसानी के साथ अफगानिस्तान ने जिस जज्बे के पैशन के साथ तो खेलते हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ तो अलग ही पैशन से नजर आते हैं, आसानी से उन्होंने चेस किया। एक तो ये कि चेन्नई की जो पिच है वो आज कुछ मुख्तलिफ बिहेव भी किया उन्होंने उसने, कि जैसे मोहसिन हसन खान साहब ने कहा भी कि बैटिंग पिच दिखाई दे रही थी वो। और दूसरी बात ये कि मैं आपको और सब देखने वालों को मुबारकबाद दूंगी कि मुबारक हो आपको कि फाइनली 20 मैचेस के बाद 200 ओवर्स के बाद एक छक्का लगा हमारा पावर प्ले में, वो गलत तो दिन लग गया ये बस यही खुशी की बात है, वरना इस मैच में और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं जी, बस वो एक अब्दुल्ला शफी ने एक छक्का मारा है जो कि पावर प्ले में मारा है काफ़ी अर्से बाद। और अगर अब आप अच्छा लास्ट मैच में मैंने कहा था कि अब्दुल्ला शफी और ये जो इमाम है ये सेल्फिश खेले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कहा, मैं अपनी बात पे कायम हूँ, और आज वो उन्होंने प्रूव किया कि आज आप देख लें अब्दुल्ला शफी बहुत टेक्निकल साउंड है, वो 77 के स्ट्राइक रेट के साथ वो ओपन करके गए हैं इसके मुकाबले में। और इमाम को देखें, वो जो चाचा साहब उनके बैठे हुए हैं चीफ सिलेक्टर और भतीजा साहब यहाँ पे वो खेल रहे हैं, 17 रन बना के गए हैं 77 के स्ट्राइक रेट के साथ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज इंजमाउल हक साहब को लें। पिछली दफा जब मैंने कहा था उनके खिलाफ तो कुछ लोगों को बड़ा नागवार गुजरा था, हमारे हीरो हैं भाई, लेकिन सबसे पहले हमारा मुल्क है, हमारी टीम है, आप टीम को नहीं सर्व कर पा रहे हमारी, मतलब आपने किसको खेल बनाया हुआ है, किसी की फैमिली की है जैसे आपने कहा, किसी की दोस्ती आ रही है। अच्छा जी, उसके बाद खैर वो स्लो स्ट्राइक रेट चला, 40 ओवर में 191 स्कोर था हमारा, 191 ये जो बाद में ये जो 282 पे पहुंचा है ये आखिर के 10 ओवर में 91 बने हैं, तो ये पहुंचा है, वो भी कुछ गलतियां हो गई हैं उनके जो कैप्टन थे उनसे, वरना ये भी ना आप बना पाते कि वो आखिर में उन्होंने पेसर्स लगा दिए, वो बॉलर्स को सही से रोटेट नहीं कर सके। और जब आपने बॉलिंग की है, आपने स्पिनर्स आपके बॉलिंग करवा रहे हैं, पीछे स्लिप नहीं है, आपने कोई इतनी स्लोपी फील्डिंग है आपकी, चले हम जरा जज्बात पे काबू पाए, पानी भी है आज, हाँ, आज मुझे पानी की जरूरत पीने क्योंकि आज का दिन ऐसे ही दिन है कि आज सब जो है वो मगमों में, और क्या मैं बताऊं अब यहाँ पे कि क्या
क्या फीलिंग है इस वक्त स्टूडियो, क्या माहौल है? और चूंकि खवातीन वैसी जज्बाती हैं तो एन तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से कुछ चुप कराया है मेकअप में, काफ़ी इन्होंने जो अफसोस का भी इजहार किया, इनका रोना धोना भी काफ़ी रहा। तो सब पूरा जो हमारा स्टूडियो का माहौल है, पूरा जो जी टी वी का माहौल है, इस सब पूरी तरह से मगमूम है, उदास है। एक सियाह दिन मैं समझता हूँ कि आज है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। उन सियाह दिन के साथ साथ एक और सियाह दिन है कि जहाँ पाकिस्तान है क्रिकेट आज एक दफ़ा फिर बहुत नीचे चली गई है, सिर्फ एक शख्स की वजह से, एक शख्स की हठधर्मी की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का आज ये हाल हो गया, जो अपनी मर्जी की टीम लेके गया लेकिन परफॉर्म नहीं कर सका। और आज भी एक प्योर बैट्समैन से ऊपर आज शादाब को बैटिंग करने के लिए भेजा गया। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर दें पाकिस्तान की उस शिकस्त को जो अफगानिस्तान के सामने आज 8 विकेटों से हुई है, लेकिन साथ साथ वर्ल्ड कप के मैचेस भी जारी हैं और वर्ल्ड कप के मैचेस को आप माइको की लाइव स्ट्रीम पे जाके जो है वो एंजॉय कर सकते हैं और लाइव एक्शन देख सकते हैं। हर डाउनलोड के बाद, हर वॉच टाइम के, हर वॉचिंग टाइम के ऊपर जो है आप अर्निंग भी कर सकते हैं और उस अर्निंग को जो है वो आप इजी पैसा और जैस कैश के जरिए ड्रॉ भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे इनाम भी हैं जो ड्राइवर के जरिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन इनाम को भी आप अवेल कर सकते हैं इस माइको एप्लीकेशन पे जाके। तो अभी अपना फ़ोन उठाइए, माइको एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, देखते जाइए और कमाते जाइए, लेकिन साथ साथ यहाँ हम गंवाते भी जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट तो गंवाती जा रही है मोहसिन भाई, और जो है क्या होगा इसका हल, क्या है इसका, क्या किस, कब तक हम इस तरह से रोते रहेंगे, कब तक इस तरह से मामला चलते रहेंगे? देखिए कुछ नहीं कर रहा है, मैं आपसे कितने दिनों से हर दिन में ज़रूर ये बात रिपीट करता हूँ, जब तक आप मेरिट और अकाउंटेबिलिटी का नहीं हिसाब रखेंगे जब तक ठीक नहीं होगा। और स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, अब एन जब उससे कही थी आप यहाँ बैठ के क्या, मेरे कंट्रोल में एक चीज़ थी जब मैं हेड कोच था और मैं चीफ सेलेक्टर था, एक सिफारशी लड़का टीम में नहीं था, हेड कोच था तो टीम की परफॉर्मेंस देख लें आप, आखिर में जाके इन्होंने जो मैच हरवाए उसके भी प्रूफ है मेरे पास, लेकिन मैंने नहीं बोला कि कंट्रोवर्सी खड़ी होगी कि बेकार में नाम किसका, घर भी तो नहीं मिल रहा था ना वो कराची में, आप पता नहीं घर, आपको पता नहीं कार कहाँ रहते हैं कहीं, अरे यार आसमान पे चला गया था। हाँ, वो मतलब बहाने क्या थे, बहाने सोचें कि मोहसिन हसन खान जो जितवा रहे हैं वो क्वालिफाइड कोच नहीं, क्वालिफाइड सर्टिफाइड हमें कोच चाहिए, चाहे वो काउंटी में बैठ के कोचिंग कर रहा हो, लैपटॉप पे कोचिंग कर रहा हो, लेकिन चाहिए हमें सर्टिफाइड कोच। आज देख ले भाई नतीजा क्या हुआ उसका, सर्टिफाइड और क्वालिफाइड कोच का, और भी कराची जैसे शहर में मोहसिन हसन खान साहब का घर नहीं मिल रहा, माइकल होल्डिंग घर ढूंढता हुआ इनके घर पहुंच जाता है रात के 10-11 बजे, लेकिन हमारे क्रिकेट बोर्ड का घर नहीं मिलता, जब मिलना चाहता है तो मिल जाता है। लेकिन बहरहाल वो दैट इज बचकाना एक्सक्यूज, मैं भी सुन के मैं हंस पड़ा कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद ये कि अली कुछ नहीं करना, हमें सिंपल सी बात करना है, ईमानदारी से काम करना है और खुदा के वास्ते अपनी सीट का मत सोचे, अपना आए जिस जॉब पे आप आए अपना अपना 100% दे आपने। मैं जब छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, क्विकली दूंगा, चीफ सेलेक्टर था एजाज भट्ट ने मुझे चेयरमैन ये बनाया हेड कोच, तो उन्होंने कहा मोहसिन तुम चीफ सेलेक्टर भी रहो हेड कोच भी बनो, मैंने कहा नहीं सर ये सही नहीं रहेगा, तो इसने कहा अकाउंटेबिलिटी का मामला है और मेरे ऊपर बात आएगी, फिर आपके ऊपर आएगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आएगी और दुनिया भर में मजाक उड़ेगा। या किसी और को 3-3 जॉब उठा के दे दी थी, कोई कुछ नहीं बोला था और वो जाके उनका, तो अब एक दो लोग थे जिनको कोच बनाया गया 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए टीम हार रही थी, हम टेस्ट कर रहे हैं, हम लड़के कर रहे हैं, हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, जब 20 या 22 दिन रह गए थे या 25 दिन वर्ल्ड कप में, तो रिजाइन कर दिया था ये कह के कि हम अपनी फैमिलीज को मिस कर रहे हैं। मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया था कि क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। आज वो बैठ के वो लोग तबसरे कर रहे हैं, यू नो आई मीन, और मैं देख रहा था तबसरे क्या, एग्जाम किसी और के ऊपर डाले जा रहे हैं। अगर देखिए, और एन भी जो मुझसे नाराज़ होकर बोलती हैं, आप भी मुझसे नाराज़, सही नाराज़ होते हैं आप लोग के, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आप जाके क्रिकेट बोर्ड में क्यों नहीं, मुझे बुलाएंगे मैं हाजिर हूँ, मैंने कहा मैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जान देने को तैयार हूँ, लेकिन भाई बुलाएंगे तो जाऊँगा ना। और दूसरी बात, जब भी गया एज अ प्लेयर आप देख लें, एज अ चीफ सेलेक्टर आप देख लें, एज अ हेड कोच देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस दी अपने लिए नहीं पाकिस्तान टीम के लिए। तो सर ये तो आपकी पाकिस्तानियत थी ना, पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस अली, इसी की बात को एंड करते हुए कहूँ कि मैं
अब मैं जो आप मुझे कह रहे हैं, आप मुझसे ऑन एयर भी कह देते हैं, एन भी कह देती है, वैसे तो आप लोग मुझसे बहुत लड़ते हैं, मैं उस पोजीशन पे जाऊंगा जहां मैं चीजों को कंट्रोल कमांड कर सकूं। अब जैसे मैं हेड कोच था, मैंने कंट्रोल किया, चेयरमैन मेरे पीछे खड़े हुए थे, लेकिन अब मैं उस पर, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जीक्यूटिव के तौर पर तो आप जा भी नहीं सकते। और फिर देखिए ना, अगर मैं काम नहीं कर पाऊंगा और मैं वो हरकत नहीं करूंगा कि मैंने 2 साल सैलरी दी और उसके बाद मैं कहूंगा 2 साल के बाद ही मुझे काम ही नहीं करने दिया, मुझे काम ही नहीं करने। जब पूरा पाकिस्तान हंसता है इस बात के ऊपर, मैं वो एक्सक्यूज झूठ नहीं बोलूंगा अपनी आवाम से, मैं इसी की ये आवाम है जिसने हमें अपने सर पे बैठा के रखा, इज्जत दी है अल्लाह के बाद, तो मैं उसको कभी धोखा नहीं दूंगा अपनी आवाम को जब भी काम ठीक। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कहा कि मैं जो एक पावर मिलेगी तो मैं करूंगा, बाबर आजम को तो पावर दी गई थी ना, बाबर आजम की मर्जी की टीम लेके गए, हफीज नाराज हुए, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने कहा शादाब की परफॉर्मेंस नहीं है, आप मत लेके जाओ उसको, उन्होंने वाइस कैप्टन बना के लेके गए, कहा परफॉर्मेंस नहीं होगी तो बिठा देंगे, लेकिन टीम तो डैमेज हो गई ना इस चीज से। भाई बाबर आजम को बिगाड़ने वाला कौन है? बाबर आजम को बिगाड़ने वाले वो बड़े हैं जो अब कमेंट्री बॉक्स में बैठे डिस्कस कर रहे हैं टीम को, जो के कहते थे मुझे बाबर आजम के अलावा कोई दिखाई ही नहीं देता। भाई तुम वर्ल्ड नंबर 2 हो, कोहली से कंपैरिजन करते थे वो उनका, तब वो बिलियन डॉलर इंडस्ट्री थी इंडिया, अब वो उनकी गोद में जाके बैठे हुए हैं क्योंकि डॉलर तो वहां से आ रहे हैं, पाकिस्तान से तो नहीं आ रहे हैं आपको। सो जब ये लोग इस तरह से, आप देखें जो रमीज राजा है ना, वो लफ्जों का सौदागर इंसान है, बड़े अच्छे प्लेयर है, ठीक है, एज ए प्लेयर वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन गुफ्तगू करने के वो बादशाह है। सो अब अपनी बातों से इनके जो प्लेयर्स हैं इनको उन्होंने आसमान पर चढ़ा दिया, जबकि रियलिटी इससे अलग थी। आप देखिए ओडीआई के अंदर वर्ल्ड नंबर 2 जो बाबर हैं या फखर हैं, ये तब थे जब इतनी ओडीआई क्रिकेट हो नहीं रही थी, टेस्ट क्रिकेट हो रही थी या T20 हो रही थी। अब जब ओडीआई क्रिकेट होना शुरू हुई है तो आप देखेंगे ये सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। और जहां तक बाबर की बात है, सो बाबर को ये जो कंपेल किया है ना दोस्ती यारी चक्कर के अंदर, अब आप देखें हम, अब फिर मैं वो नाम लूंगी इंजमाम का, इंजमाम ने और ये बाबर ने, इंजमाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारा पूरा ट्रस्ट है बाबर के ऊपर, यानी ये टीम इंजमाम की और बाबर की है। जगह साहब भी जिम्मेदार है ना, जिन्होंने मनाया बाबर अशरफ साहब, वो तो जो घर लेके गए थे बाबर, वो छोटे बच्चे बन जाते हैं, वो इंडिया से अभी झूले झूल के आए हैं पूरी फैमिली के साथ, उनको पता नहीं वो टीम से मिले हैं क्या मिले हैं, यानी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया, वो कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था, बाद में हम सरफराज का नाम ऐड कर रहे हैं, इब्रार का नाम ऐड कर रहे हैं। अच्छा, इब्रार पे मुझे याद आया, आप देखे नूर अहमद को खिलाया उन्होंने, इब्रार को नहीं खिला सके आप। ये टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं क्या लड़के? भाई फर्स्ट क्लास का फाइनल हो रहा है, शान मसूद को और तैयब ताहिर को देखें जाके वहां पे ओपन किस तरह से करते हैं। रोहित शर्मा को नहीं देखना आपने कि नहीं जी वो तो ऑपोजिट टीम का है, वो कैसे ओपन करता है, ठीक है। मिचेल मार्श को नहीं देखना, अपने आप इन लड़कों को देखें आप वो किस तरह से कर रहे हैं कि जिनको आप छोड़ के गए हुए हैं। आप मुझे ये बताएं कि बाबर ने किसे तैयार किया है? 2016 के अंदर बाबर को तैयार किया गया था ओडीआई में नंबर 3 के लिए, ना कामयाब होने के बावजूद, मतलब ये कामयाब नहीं हुए, फिर भी इस नंबर पे इन्हें खिलाया गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो कैप्टन थे यानी अजहर अली बैठे हुए थे, हफीज थे, लेकिन नंबर 3 इन्हें दिया क्योंकि ट्रस्ट था। इस तरह का कॉन्फिडेंस इन्होंने किसी को दिया है? इनके पीछे कौन है? तैयब ताहिर हो गए या सायम अयूब हो गए या हुरैरा हो गए? आप जाते हैं खिलाड़ियों को सैर करवाते हैं, लेके आ जाते हैं। ये बात कर रही है, अभी ब्रेक का टाइम हो गया, ये बात करेंगे जो टीम से बाहर है। भाई इफ्तिखार है वो 6 छक्के मार के गए, जब स्लॉगिंग की जरूरत होती है तो अभी आप उसामा मीर को भेज देते हैं, कभी आप जो आज आपने शादाब को भेज दिया इफ्तिखार पर, अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं अपने बैट्समैन के ऊपर तो उसका फिर टीम में क्या काम है? एक, बाहर कर, एक बात जल्दी से बाबर के लिए, जल्दी से एन के लिए, जैसे बात की बाबर को, अब बाबर को बार बार अगर कप्तान बनाया कंटिन्यू किया जा रहा है, इसमें बनाने वाले का है ना। Exactly. मुझे तो जो कप्तान बनाता रहेगा मैं बनता रहूंगा, मैं फ्लॉप भी हो रहा हूँ, मुझे कप्तान बना रहे हैं या मुझे नंबर 3 पे खेल रहा हूँ, मैं जो चाह रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, उसको आगे देखें छुपने के लिए। हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब आपने बात कही है, वेल डन। तो ये बात है कि अब फेस सेविंग के लिए किसी और को बकरा बना दो, आप बाबर के ऊपर हम ना कहें। मुझे अगर मैं गलत आदमी हूँ, डिजर्विंग नहीं हूँ, मुझे किसी लिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में तो लेने वाले की गलती है, मेरी गलती नहीं, मैं तो जाऊँगा अपना आराम से कि यार मुझे तो डिजर्व भी नहीं करता हूं, मुझे हो गया। तो ये देखें एक, हाँ एक लड़के को चांस दिया जाता है, प्रॉपर चांस दिया जाए, अगर वो प्रूव नहीं करता
हट जाओ, ठीक है, दूसरे को लेके आए, बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़े और सबसे बढ़कर पाकिस्तान है और आज हम सब जो है इसीलिए उदास भी हैं क्योंकि आज पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त हुई है 8 विकेटों से। और क्रिकेट में एक टीम खेलती है, एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है, लेकिन इस अंदाज की जो शिकस्त है वो बड़े गहरे असरात छोड़ दिए। और जब मैं इसी कुर्सी पर बैठ के कहता हूँ कि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है वो पाकिस्तान क्रिकेट का क्या हाल कर रही है, चाहे कराची से रिलेटेड फ्रेंचाइज हों, चाहे पंजाब से रिलेटेड फ्रेंचाइज हों, वो पाकिस्तान क्रिकेट का क्या हाल मजीद मुस्तकबिल में करने जा रही हैं, तो फिर लोग हमको भी तनकीद का निशान बनाते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट पे अब ये हाल हो गया कि हमें आके खवातीन जो है वो क्रिकेट सिखाएंगी। जीरो की एवरेज रखने वाली बाबर आजम की टेक्निक के ऊपर बात करती हैं, आयरलैंड की जो फास्ट बॉलर है वो आके जो है वो मुल्तान सुल्तान है उन प्लेयर को सिखाएंगी कि जिनको आगे चल के पाकिस्तान के लिए खेलना है। सकलेन मुश्ताक का जो असिस्टेंट जो रखा है वो एक और खातून क्रिकेटर को रख लिया है, तो पाकिस्तान क्रिकेट अगले 10 साल में कहाँ है ये आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। ऐसे कई प्रोग्राम और मजीद होंगे पाकिस्तान की इसी किस्म के शिकस्तों के हवाले से अगर ऐसे ही हालात चलते रहे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे और बल्कि नोहा ख्वाह थे इस बात पे और नोहा और गिरिया कर रहे थे इस बात पे कि पाकिस्तान की टीम को आज वर्ल्ड कप में शिकस्त का सामना करना पड़ा और सेमीफाइनल तक रसाई की कोशिशें जो अब दम तोड़ती नजर आ रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को खिलवाड़ बना के रखा हुआ है, कभी डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म कर दी जाती है, कभी एसोसिएशन की क्रिकेट खत्म कर दी जाती है, कभी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर ड्राफ्टिंग का सिस्टम आ जाता है और अब जो है वो नित नए तजुर्बात पाकिस्तान क्रिकेटर के साथ हो रहे हैं। हर सीजन में बॉल से जो जाती हैं, वेन्यूज़ का पता नहीं होता, अभी भी जो वनडे टूर्नामेंट हो रहा है उसके बारे में खबरें हैं कि पंजाब के मौसम में एबटाबाद और रावलपिंडी जैसे इलाकों में वनडे टूर्नामेंट खेला जाएगा। मोहसिन हसन खान साहब से जरा जिक्र करते हैं, जिस दौर में आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, अगर मैं सिर्फ हबीब बैंक की बात करता हूं, आप ओपनर थे, अरशद बाटा ओपनर थे, मतलब टीम के साथ थे ना, अरशद बाटा ओपनर थे और आगा जाहिद जैसे ओपनर थे, हर टीम के अंदर एक क्लास प्लेयर थे कि जहां पर टीम में ही जगह बनाना बड़ा मुश्किल होता था। अब तो हर साल ही जो है वो एक फॉर्मेटी चेंज हो जाता है, बॉल चेंज हो जाती है, अजीब वो गरीब पाकिस्तान क्रिकेट का कचूर सा बना के रख दिया गया है। अली मेरा वही जवाब आ जाएगा और उसमें सारा कुछ है। डिपार्टमेंट्स भी जो थे ना, अभी बैंक हुआ, नेशनल बैंक हुआ, यूनाइटेड बैंक हुआ, जो मुस्लिम कमेटी PIA, अकाउंटेबिलिटी थी, ये डिजर्व नहीं करता ऐसे निकालो टीम से, ये था वहां पे। हमको पता होता था, हबीब बैंक तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी ना, और सारे हमारे जो उस वक्त थे वाडीवाला साहब, जिन्होंने टीम बनाई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, क्या उन्होंने दूसरे लड़कों ने, दूसरे बैंक्स ने कुछ भी टेस्ट प्लेयर्स दिए थे, उन्होंने कहा मुझे, मैं टेस्ट प्लेयर्स नहीं लूंगा, मैं यहाँ टेस्ट प्लेयर्स बनाऊंगा, मैं जावेद कादिर, आगा जाहिद और दूसरे लियाकत अली और जी रकीब सर हम आके इंटरनेशनल प्लेयर उसमें बने, उसमें आके बने, और वही अकाउंटेबिलिटी, भाई मेरिट पे होगा, मैं मेरिट पे टीम को खिलाऊंगा, चाहे हर आदमी जो भी हो, और इसी वजह से तो ऐसे गई हमारी क्रिकेट, इतनी जबरदस्त फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती। तो आपने बड़ी सही बात की, जो आके उसका फॉर्मेट तोड़ा है, पहली बात तो आपने क्रिकेटर्स को बेरोजगार कर दिया और उसके बाद आपने जो स्टैंडर्ड, आपने ये जो सिफारशी हुई ना, ये मेरा है, ये मेरा, इसको ले लो भाई, इनको मैं जैसे ये लीग्स में प्राइवेट होती हैं जो होती हैं, उनका ठीक है, उनकी मर्जी है कि भाई वो जिसको चाह रहे हैं, उनके अपने आए, उनका अपना खर्चा है, उधर भी ख्याल रखें कि हमें एक एग्जाम्पल सेट करनी है। देखिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए, जैसे मैं कहता हूँ, अगर उनको चोरों को आपने सजा दे दी होती तो हमारी नेशनल क्रिकेट से करप्शन खत्म हो चुकी होती, लेकिन वो धड़ल्ले से फिर रहे हैं। सर एक सेकंड, मुझे पॉइंट भी दिखा दे, मुझे 20 से 25 सेकंड में इसका जवाब दे दें, ये प्राइवेट लीग को मुबर्रक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जबकि हमारा यही स्टफ खेल रहा होता है ना, यही प्लेयर खेल रहे होते हैं ना, जो अंडर 19 से फर्स्ट क्लास से निकल कर उन फ्रेंचाइज टीमों में खेल रहे होते हैं, वहां आप उनको अगर गलत गाइड कर देंगे तो फिर पाकिस्तान में कैसे परफॉर्म करेंगे वो, कैसे मुबर्रा कर सकते हैं कि भाई वो उनका पैसा, उनकी मर्जी, वो जाने, उनका काम जाने। मैं मुबर्रा नहीं कर रहा, नहीं, मैं एक वैसे एक जनरल थॉट की बात कर रहा हूं, ये उनको मॉरल ड्यूटी बनती है कि ठीक है मेरी प्राइवेट लीग है, मैं ओनर हूं, मैं पैसे खर्च कर रहा हूं, लेकिन यहां पे भी मैं वो करके दिखाऊंगा कि पाकिस्तान को अच्छे क्रिकेटर्स निकाल के दूंगा, अगर आपके साथ नाइंसाफी हो जाए, मैं डिजर्व नहीं करता हूं, मुझे ले लिया जाए, तो अली की तो लाइफ भी खराब हो गई, उसकी क्रिकेट भी खराब हो गई, तो ये चीज प्राइवेट लीग में भी हमें सोचना चाहिए। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, इंडिया में जब एक बैट्समैन, यंग बैट्समैन आता है, लिया जाता है, उसके 2 डबल सेंचुरी होना चाहिए या 3 सेंचुरी होना चाहिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, कि उसके बेसिक्स बन चुके हों, तो वो आता है 2020 क्रिकेट में। और दूसरी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ कहना चाह रहा हूँ,
अली टेस्ट क्रिकेट के तो इन्होंने ठीक है करते हैं, कंपटीशन होता है वो, लेकिन उसके देश सब टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है, वो टॉप क्रिकेट है। 2020 ठीक है एंटरटेनमेंट क्रिकेट, वन डे क्रिकेट जो है ना ये है दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट। इसमें टेस्ट का निचोड़ है, 2020 का निचोड़ है, और वन डे क्रिकेट में आप देखिए हम क्रिकेट खेलते हैं, हम चौथे से पांचवें ओवर में जा रहे होते हैं तो हमारा बॉलर एक्सपोज हो गया होता है, हमारे 20 रन से ऊपर हम जा रहे होते हैं तो हमारा बैट्समैन एक्सपोज हो गया होता है। और मैंने उस वक्त भी कहा था, मैंने अपनी जब मैं चेयरमैन था सिलेक्शन कमेटी, हमने 2020 से टेस्ट का प्लेयर नहीं लेना है, हमने फर्स्ट क्लास से उठाना है। बिल्कुल सही। और उस मुझे एक प्लेयर बता दे, अगर कोई, मैं गारंटी देता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि मेरे कोई तकनीक नाकदीन भी हो कि अगर मुझे बता दे एक नॉन डिजर्विंग लड़का कोई टीम में था, तो ये अपनी अपनी सिंसेरिटी दिखाएं पाकिस्तान के साथ, तो आज जड़ से हर चीज़ सही हो जाएगी। ठीक है, एंड आप क्या कहेंगे 100 मौजूद पे, क्योंकि मुझे पार्टिसिपेट भी दिखाने थे लेकिन अब वक्त थोड़ा सा महदूद है, आप क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों को, इस तरह मौसम मैंने खुलासा कर दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट को अब निकलना कैसा है इस मुश्किल फेज से? देखिए निकलना तभी है जब आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी और आप फेयर डिसीजन करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप T20 वर्ल्ड कप हार के आ जाएं और यहाँ पे आके आपकी शायन शान शान के अंदर पार्टीज हो रही हो, इशारे दिए जा रहे हो, जैसे जी रमीज राजा साहब ने वो जैसे किया था। खुदा के वास्ते पाकिस्तानियों की अगर हम इस वक्त बात करूँ ना, कोई खुशी नहीं रह गई हमारे पास। क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, अभी फुटबॉल की छोटी सी खुशी आई थी, कैसे सेलिब्रेट की हमने, कितना खुश हुए हम कि फाइनली हम अब खेलेंगे सेकंड राउंड क्वालिफाइंग का खेलेंगे। सो अगर ये खुशियां हैं तो रहने दे, कहीं तो फेयर चीज रहने दे। वो किसी का बेटा आ रहा है, वो मिसबाहुल हक का बेटा आ रहा है, इनका चचा का बेटा आ रहा है, बस कर दें इसे फेयर आप करें। थैंक यू सो मच मौसम भाई, थैंक यू सो मच अनुज हमारे साथ मौजूद थी, और आज पाकिस्तान को अफगानिस्तान का तो जो शिकस्त है इस पे हम सब जो है वो अफसुर्दा हैं। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।